एक्टर फैमान खान की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि फैमान खान को जो लोग फॉलो करते हैं उनके शोज को भी उसी तरीके से प्यार देते हैं। अगर आपने फैमान खान का शो प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी देखा है तो आपको इस खबर के बारे में भी जरूर पता होगा कि पिछले काफी टाइम से शो को बंद करने की बातें सामने आ रही थी। ऐसा बताया जा रहा था कि शो की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से शो के मेकर्स ने यह फैसला लिया है कि शो को जल्द बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ खबरें ये भी आने लगी थी कि शो जो है 9 जून को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच ये भी खबरें आई कि शो के मेकर्स ने शो को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है कि शो को जो एंड करना है वो 9 जून को नहीं बल्कि 25 दिन के एक्सटेंशन के बाद किया जाएगा। अब फैमान खान के जो फैंस हैं जिन्हें उन्हें स्क्रीन पर देखना काफी पसंद है, जब ये खबर सामने आई कि फैमान खान का जो शो है प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी वो बंद होने वाला है, तो ऐसे में फैंस का दिल टूट गया। सोशल मीडिया पर फैमान खान को लेकर काफी सारी बातें की गई। लोग नहीं चाहते थे कि फैमान खान का ये शो बंद हो, क्योंकि फैमान खान का ये शो काफी लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन मन मुताबिक टीआरपी ना मिलने की वजह से शो को बंद करने की बातें लंबे टाइम से सोशल मीडिया पर घूम रही थी। लेकिन अब इसी बीच फैमान खान के फैंस के लिए हम लेकर आए हैं बड़ी खबर, जिसे जानने के बाद आपका दिल भी खुशी से झूम उठेगा। टीवी शो प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी में फैमान खान और कृतिका सिंह यादव लीड रोल में है। शो की कहानी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन मेकर्स को उम्मीद थी कि इमली की तरह फैमान का ये शो भी हिट रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। शो की खराब टीआरपी को देखते हुए मेकर्स ने शो को बंद करने का फैसला लिया। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड की कि प्लीज आप शो को बंद मत करिए, और इसी को देखते हुए मेकर्स ने फैमान खान के इस शो को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है कि जो बातें कही जा रही थी कि 9 जून और उसके बाद 25 दिन के एक्सटेंशन के बाद शो को बंद कर दिया जाएगा, तो अब खबरें सामने आ रही हैं कि मेकर्स ने अपना फैसला वापस ले लिया है और फैमान खान के इस शो को बंद नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फैमान खान के प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी को बंद नहीं किया जा रहा है। चैनल ने शो को बंद करने का जो आइडिया था उसे ड्रॉप कर दिया है, और इसी के साथ ही जो खबरें चल रही थी कि बहुत जल्द शो बंद हो जाएगा और ये जो सीरियल है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसको लेकर मेकर्स ने अपना फैसला बदल लिया है, क्योंकि शो में कुछ नए ट्विस्ट लाए जाएंगे, शो की कहानी को थोड़ा सा बदला जाएगा और इसी के साथ शो एक बार फिर से लोगों के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगा। फिल्मी बीट से बात करते हुए अशिता धवन ने बताया है कि पहले 9 जून का ये पता चला था कि 9 जून को फैमान का शो बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद 9 से 18 कर दिया गया और प्रोडक्शन हाउस से उनके पास कॉल भी आई है। सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है और इसी के साथ फैमान के फैंस को एक और खुशखबरी मिल गई है कि जिस फैमान खान को आप देखने के लिए तरसते थे उनका शो आपको काफी पसंद आता था, तो फाइनली शो बंद नहीं होने वाला है, मेकर्स ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।